चलो स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे हमने 87 तक देखा था। बेसिकली कंसेंट वाले केसेस देख रहे थे कि व्हेनेवर द पर्सन गिव्स कंसेंट उन केसेस में क्या होता है। नाउ वी केम टू सेक्शन 88 जहाँ पे बेसिकली द पर्सन हैज गिवन कंसेंट। और हमेशा ध्यान रखिए कंसेंट वाले केसेस में देयर कैन नॉट बी एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, नॉलेज हो सकती है कि योर एक्ट में लाइकली टू कॉज डेथ, बट देयर कैन नॉट बी एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, क्योंकि कंसेंट डज नॉट जस्टिफाई कॉजिंग डेथ ऑफ अनदर पर्सन। तो इन केसेस में अगर आपने कंसेंट दी और इंटेंशनली कोई दूसरा पर्सन डेथ करता है ऑन द प्रिटेक्स के कंसेंट दी थी, तो उन केसेस में ऑल दो एग्जम्पशन नहीं लगेगा, पर मर्डर का स्पेशल एक्सेप्शन होता है कंसेंट के केसेस में। बिकॉज ऑफ डेट आपका फिर ऑफेंस रिड्यूस होकर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। तो यस्टरडे वी वर डीलिंग विद सेक्शन 88 जिसमें बात हो रही थी कि जहाँ पे पर्सन ने कंसेंट दी है एंड द अदर पर्सन इज डूइंग सम एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन इन गुड फेथ और उसकी वजह से उसको कोई हार्म होता है, देन द पर्सन विल बी एग्जम्प्टेड बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। तो 88 के रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ इंटेंशन विद रिगार्ड टू कॉजिंग डेथ। डेथ के रिगार्डिंग आपकी इंटेंशन नहीं हो सकती कि आप डेथ नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसेंट, आपकी इंटेंशन नहीं हो सकती। ऑल दो आपकी नॉलेज हो सकती है योर एक्ट में लाइकली टू कॉज डेथ, बट देयर कैन नॉट बी एनी इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन विद रिगार्ड टू अदर हार्म्स हो सकती है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ फॉलिंग डेथ, बट डेथ के रिगार्डिंग नहीं हो सकती। तो अगर आप इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट भी करते हैं 88 में, प्रोवाइडेड पर्सन ने कंसेंट दे रखी है। यहाँ पे देखिए कंसेंट के लिए कोई एज नहीं दे रखी, प्रोवाइडेड आप गुड फेथ में कर रहे। देखो अगर इंटेंशनली करेंगे आप किसी को हार्म, तो बेसिकली वैसे भी वो गुड फेथ में आएगा नहीं। ठीक है, कि इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन कंसर्न एंड इट शुड बी डन इन गुड फेथ। तो दैट मीन्स कि नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। नॉलेज अगर आपको हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ इंटेंशन विद रिगार्ड टू कॉजिंग डेथ। नॉलेज हो सकती है आपको कि योर एक्ट में लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, फिर इसके साथ क्या होता है, जनरली हम 88 वाले जो केसेस हो गए ये जनरली किन में आते हैं, जैसे मेडिकल वाले हो गए, आपके सर्जन डॉक्टर्स वगैरह हो गए, जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं या सर्जन के पास जाते हैं फॉर द पर्पजेज ऑफ सर्जरी, तो उन केसेस में कंसेंट फॉर्म वगैरह होता है जिसको आप फिलअप करते हैं और वो उन केसेस में अप्लाई होता है। तो दे डोंट इंटेंड टू कॉज योर डेथ और उनको कई बार सर्जरी कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो दे नो कि दिस पर्टिकुलर एक्ट में लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन कंसर्न, बट दे आर डूइंग इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड कॉशन लेना एंड फॉर द पर्सन बेनिफिट ऑफ द पर्सन कंसर्न उसकी कंसर्न के साथ, तो दैट्स व्हाई दे एग्जेम्प्टेड। तो आप देखते हैं कि कई बार ट्रीटमेंट करते टाइम पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, बट दीज पर्सन आर नॉट लाइबल जो प्रोफेशनल होता है बिकॉज ऑफ द सेक्शन 88। अदरवाइज अगर सेक्शन 88 आईपीसी में नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। रोज आपके बहुत ज़्यादा कोर्ट्स हैविली फ्लडेड हो जाते हैं इन्हीं कारणों की वजह से, कि बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट या इम्प्रॉपर या सबस्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। ठीक है, तो ज़्यादातर ये केसेस आते हैं। या फिर चाइल्ड के आपके भी केसेस आते हैं, जैसे जो आपने जैसे स्कूल में छोटे बच्चे हैं अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि बिलो 12 वाली बिलो 12 ईयर्स वाले एज के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास सेक्शन 89 है। सेक्शन 88 इज डीलिंग विद इट हैज नो एज रिक्वायरमेंट। तो ये अबाउट 12 मान लीजिए, तो अगर कोई बच्चा अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज है तो उसके केस में माना जाता है कि इम्प्लाइड कंसेंट उसने दे रखी है कि स्कूल अथॉरिटीज उसको पनिश कर सकती है, प्रोवाइडेड पनिशमेंट शुड बी रीजनेबल मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, फॉर द पर्पज ऑफ करेक्शन ऑफ चाइल्ड, फॉर द पर्पज ऑफ इनएक्युलेटिंग गुड क्वालिटीज। ठीक है, तो इसको हम जनरली क्या 88, 89 एंड 92 ये तीन सेक्शन से साथ में रीड करते हैं। द रीजन बीइंग कि इनके क्या इंग्रेडिएंट्स थोड़े से सेम है, सो विल रीड 89 एंड 92 एज वेल, फिर हम देखते हैं कॉमन इंग्रेडिएंट्स इनके। तो एक बार प्लीज अंशिका रीड सेक्शन 89। यस सर, वन सेकेंड। सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ बट फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन बाय बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कंसेंट ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन or the other person having lawful charge of that person is an offense by a reason of any harm which it may cause or it to or be intended by a doer to cause or be known by the doer to be likely to cause that person. Provisos provided. So shall I read provisos? Yes, yes, please read. First, that this exception shall not extend to the intentional causing of death or to the attempting to cause death. Secondly, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose for any purpose other than preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous or infirmity.
Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it to be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. Fourthly, that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend. ठीक है, तो देखो 89 जो आपका सेक्शन है वो बात कर रहा है कि देखो यू आर डूइंग एन एक्ट इन गुड फेथ एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन. अब पर्सन इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन में रेफरेंस दे रखा है कि किन पर्सन पे अप्लाई होगा. तो फर्स्ट जो फर्स्ट कैटेगरी हुआ है आपकी द पर्सन हु आर अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, आपके चिल्ड्रन अगर जो कंसेंट नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू आईपीसी, चिल्ड्रन फॉलिंग अंडर 12 इयर्स ऑफ एज आर नॉट एबल टू गिव कंसेंट. ठीक है, वो प्री कंसेंट नहीं होगी, वैलिड कंसेंट नहीं होगी. तो फर्स्ट कैटेगरी इज दैट this section applies to children who are under 12 years of age and second is that the person who are of unsound mind. ठीक है, तो दोनों को equal footing पे रखा गया. so this section is for the act done for the benefit and in good faith for the person consented to under 12 years of age and who are of unsound mind. ठीक है, फिर ये बात करता है और by consent either expressed or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person. अब requirement क्या है, act आप किसके लिए कर रहे हैं कि in good faith for the person's benefit, वो तो या तो child है या फिर unsound mind person. विद द कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट की रिक्वायरमेंट है. ऑल दो दीज पर्सन आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, आप कंसेंट किसकी लेंगे, चाइल्ड के केस में आप लेंगे, गार्जियन की, और जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उसके केस में आप लेंगे द पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ओवर दैट पर्सन. ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन के केस में जो भी गार्जियन है उसके जो लीगल गार्जियन है उनकी कंसेंट लेंगे आप, और अनसाउंड माइंड पर्सन है तो अनसाउंड माइंड पर्सन के केस में द पर्सन हु इज हैविंग लॉफुल चार्ज ओवर दैट पर्सन. अब ये थोड़ा बता सकते कि भाई चिल्ड्रन के केस में गार्जियन लिखा गया और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के केस में गार्जियन क्यों नहीं लिखा गया? ये खाली एक वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं कि भाई टेकिंग कंसेंट ऑफ द गार्जियन, कि भाई अनसाउंड माइंड पर्सन है तो ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ गार्जियन ओनली. व्हाई द पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ये लिखा गया नॉट द गार्जियन, कि गार्जियन को क्यों नहीं स्पेसिफाई किया गया? तो कोई आइडिया एनी? हेलो sir, because in the children, of course, that is impliedly that the parents take care of children, but unsound mind, maybe not in guardian, they are admitted in any hospital or something like that. So that is perfect. Why. Perfect. The reason is that he above 18 years of age, if he is independently life, the reason being because of unsound mind, family ke saath nahi hai, they might be admitted into some recreational facilities or some mental hospital institute where their treatment is going on. So those persons who are having lawful charge, ठीक है, lawful charge, there is no set criteria कि what is lawful charge, ठीक है, या फिर which person can have lawful charge, ये क्या situation to situation change होता रहता है कि whose custody you are said to be under lawful charge, ठीक है, तो kidnapping के cases में देखेंगे, sometimes your parents are not said to be the lawful charge of yours, ठीक है, कई बार क्या condition differ होती रहती है, जैसे the parents are not at home. Then in case आपके अगर servants वगैरह है तो you are under the lawful charge of servant, जैसे school छोड़ने जा रहा है कोई servant, the person the servant is having lawful charge over that child, ठीक है, तो ये change होता रहता है. यहाँ पे legal charge नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ lawful charge. तो lawful charge depends very largely depends on condition to condition के circumstances कैसे थे कि उसमें किसको माना जा सकता है कि lawful charge होगा. तो सेक्शन देखेंगे स्पेसिफिकली अप्लाई होगा अनसाउंड माइंड पे पर्सन हु आर अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, किसकी कंसेंट के साथ, कि द कंसेंट मस्ट बी गिवन either of guardian or other person having lawful charge over that person. So in case of that, if you have done some act with the for the person's benefit with the consent of these persons, so in that case, exempted is whatever harm is done. Okay. Now, what further proviso in the additional safeguard in the section? Okay. Section has not been told that what harm is, what knowledge you have to take, what intention is. There is no such requirement in the section, but it provides for the proviso. So proviso is the purpose of providing additional safeguards. Okay. Here, additional safeguards are told. तो पहला वही कहता है कि कोई भी देखो कंसेंट वाले केस में इंटेंशनली तो आप डेथ कॉज कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो वो मान के चलिए. तो पहला तो वो आ गया. सेकंड है कि जहाँ पे आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से देर लाइकली टू कॉज डेथ, तो वहाँ पे नॉलेज वाले जो केसेस है जहाँ पे आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से लाइकली डेथ हो सकती है, तो ये फर्दर रेस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है कि ये उन्हीं एक्ट में आपको यूज करना है ये प्रोवाइजो जहाँ पे आपको नॉलेज है कि डेथ हो सकती है, प्रोवाइडेड केस कैसा हो कि आप प्रिवेंट करना चाहते हो डेथ या ग्रीवियस हर्ट फॉर द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज. अगर आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से डेथ हो सकती है तो आप वो एक्ट जब ही करोगे व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट डेथ ऑफ दैट पर्सन, या यू वांट टू प्रिवेंट ग्रीवियस हर्ट अगर उसको हो सकती है, या फिर यू वांट टू प्रिवेंट सम ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी. तो इसमें इलस्ट्रेशन क्या हो सकता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है
गलती से जंगल में गिर गया, ठीक है, जंगल में था, ही वाज इन द फॉरेस्ट खेलते खेलते, कोई कोई जैसे जानवर है, टाइगर इज कैरिंग दैट पर्सन, छोटे बच्चों को लेके जा रहा है, तो नाउ यू हैव अ गन एंड यू फायर फ्रॉम द टाइगर। तो यहाँ पे आपको नॉलेज है कि अगर शॉट मिस हो गया या टाइगर थोड़ा इधर का उधर हो गया, देर आर चांसेस कि बुलेट चलन को भी लग सकती है, ठीक है, बच्चे को। बट यू नो कि अगर ये नहीं किया गया है तो डेथ तो वैसे भी इनएविटेबल है, ठीक है, कि वो टाइगर लेके जा रहा तो ऑब्वियसली डेथ कॉज हो ही जाएगी बच्चे की। तो नाउ यू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट आप यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तो आप जस्टिफाइड। ऑल दो आप गन चला रहे, कोई इंटेंशन तो आपका है नहीं, पर आपको नॉलेज है कि डेथ हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली जब डॉक्टर्स किसी बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिजीज वाले पेशेंट का ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे होते हैं विद रिगार्ड टू डेट पर्सन, दे नो किसकी डेथ हो सकती है, या फिर ऑलरेडी डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि डेथ माइट एंशू, पर ये ट्रीटमेंट अगर जो हम ऑपरेट कर रहे हैं इसमें चांसेस है, कुछ चांसेस है कि बच भी सकता है, ठीक है, दे आर नॉट 100, देखो 100% चांसेस तो बुखार के केस में भी नहीं होते, फीवर के केस में कि इट विल टोटली आप रिकवर कर जाएंगे उस केस में ना, तो वो तो बात बड़ी बड़ी डिजीजेज होती है। वहाँ पे अगर डॉक्टर को थोड़ा भी गुड फेथ में और फॉर द पर्सन बेनिफिट ऑपरेट कर रहा है, ऑल्दो ही नोज दैट कि ये सर्जरी या ऑपरेशन की वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है, तो एग्जेम्प्टेड है सेक्शन में, ठीक है। तो आपको नॉलेज वाले केसेस जब भी फॉल होंगे डेथ के रिगार्डिंग, वैन आप किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट विद द इंटेंशन टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट और टू क्योर सम ग्रीवियस डिजीज ऑन इन्फर्मिटी। थर्ड में आ जाते हैं जो थर्ड इसका प्रोविजो कहता है, वो कहता है कि वॉलंटरी आप कॉज कर सकते हैं ग्रीवियस हर्ट या यू कैन अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, वो सेम पर्पज के लिए कि अगर आप वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट करने की, तो केस वो इस सिमिलर सिनेरियो कि आइदर इट शुड बी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है। तो सेम जो ऊपर वाला है वही सेम आ रहा है, ठीक है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? सर यू आर ऑडिबल, बस थोड़ा सा बीच बीच में योर वॉइस इज बिकमिंग स्लो एंड थोड़ा सा अनक्लियर, आई डोंट नो इफ इट इज हैपनिंग विद मी ओनली। ठीक है, ठीक है। अदर पर्सन कुछ प्रॉब्लम अभी किसी को बताओ, एम आई ऑडिबल ढंग से? थोड़ी सी आवाज लो है, थोड़ी सी हो रही है, थोड़ा जस्ट इंक्रीज योर ओन वॉल्यूम, थोड़ा हेडफोन में हो सकता है, इंक्रीज योर ओन वॉल्यूम एक बार। यस इट इज फुल, ठीक है, चलो व्हेनेवर देयर इज सम प्रॉब्लम जस्ट इंटीमेट मी। अभी कुछ प्रॉब्लम कुछ इसमें सुनने में समथिंग यू सर? अभी नहीं हो रहा है, बट बीच बीच में थोड़ा स्लो हो जा रहा है आपका। चलो ठीक है, कई बार मैं स्लो भी बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ी वॉइस मेरी भी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, मैं इसको बैठ करनी, कई बार मेरा ही खुद का लो हो जाता है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग या कुछ मिस आउट कर गए तो जस्ट टेल मी वंस अगेन, आई विल रिपीट दैट। अभी तक जो हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम? जो हमने तीन क्लॉज डील करे, सर एक बार थर्ड वाला रिपीट करेंगे? थर्ड वाला देखो इशू सेम ही है जो हमने देखा ना सेकंडली में, कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको नॉलेज है डेथ हो सकती है, थर्ड वाला कहता है जहाँ पर आपको नॉलेज है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, या फिर आप वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, या फिर आइदर यू आर अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो आप उन्हीं केसेस में ऐसा एक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप क्या कर रहे थे, यू आर प्रिवेंटिंग डेथ या फिर यू आर प्रिवेंटिंग ग्रीवियस हर्ट और यू आर प्रिवेंटिंग ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। तो वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट आप उन्हीं केसेस में कर सकते हैं जहाँ पर आप डेथ को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, या फिर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, या ग्रीवियस डिजीज को या ग्रीवियस इन्फर्मिटी को, ठीक है। सेकेंड वाला क्लॉज कहता है कि आप जब वॉलंटरी आप जैसे कि कोई एक्ट कर रहे हैं जहाँ आपको आपको नॉलेज है, ठीक है, तो व्हेनेवर यू हैव नॉलेज दैट मींस यू आर डूइंग ए वॉलंटरी एक्ट, ठीक है, तो वॉलंटरी आप कोई एक्ट कर रहे हैं वेयर यू न्यू दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो सकते हैं मेरे एक्ट के, इस पर्टिकुलर एक्ट के, जहाँ पे डेथ हो सकती है, एंड देन यू डू दैट एक्ट, तो एग्जम्प्टेड जब ही होगा प्रोवाइडेड आप डेथ को प्रिवेंट करना चाह रहे थे या ग्रीवियस हर्ट को या ग्रीवियस डिजीज को या ग्रीवियस इन्फर्मिटी को। तो दोनों सेम ही है, बस इंजरी का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाले केस डेथ पे डील कर रहा है, नीचे वाला ग्रीवियस हर्ट पे डील कर रहा है, ठीक है सर। ये दोनों प्रोविजन 88 और 89 दोनों डॉक्टर्स के लिए मोस्टली यूज होते होंगे, है ना? और कहीं तो 89 में अभी आपका ये भी आता है बच्चों के रिगार्डिंग आता है, क्योंकि 89 स्पेसिफिकली डीलिंग विद चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज और पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, तो उनको किसी की केयर एंड कस्टडी में देगा, जैसे चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि मोर देन आवर होम वी स्पेंड आवर टाइम एट स्कूल या फिर कोई अकेडमीज हो गई, ठीक है, आप स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कि 89 चिल्ड्रन जैसे स्टूडेंट्स टीचर्स वगैरह होते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट लगाते हैं, ठीक है, पिटाई करते हैं, फिजिकल पिटाई होती है, तो वहाँ पे यूज होता है कि अगर चिल्ड्रन को कोई इंजरी हो गई या फिर कोई घर पे आके बच्चा ये शिकायत नहीं करे कि टीचर ने मेरे पे कैसे ऑपरेटिव एक्सरसाइज कर दी, तो देयर इज दिस सेक्शन 89
बिकॉज यू आर डूइंग दैट टीचर एज अ टीचर यू आर डूइंग दैट एक्ट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनल बेनिफिट. ठीक है, वो भी इसको भी डील करेंगे हम, एक बार क्लॉज खत्म कर लेते हैं इसके. और फोर्थली आपका कह रहा है कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस. ठीक है, तो अबेटमेंट से बेसिकली अबेटमेंट में अप्लाई नहीं होगा कि अगर आप इस सेक्शन को किसी के लिए बेसिकली अबेटमेंट कर रहे हैं तो उन केसेज में एग्जम्प्शन नहीं होगा कि आप अबेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को, तो वो ये माना नहीं जाएगा कि आप गुड फेथ में या फिर आप बेसिकली पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं. तो अबेटमेंट वाला अगर आप अबेट करते हैं किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए तो वो उस मैन नहीं आएगा. ठीक है, एग्जम्प्टेड नहीं होगा. ठीक है, 89 में कोई डाउट? सर जस्ट अ लिटिल कंफ्यूजन, जो मेन पार्ट है सेक्शन का, इफ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन अ राइट वे सर, जैसे इसमें इफ एनीबॉडी इज डूइंग एनीथिंग इन अ गुड फेथ विल नॉट बी एन ऑफेंस इफ बाय डूइंग इट ही कॉज एनी हार्म. तो सर इसमें ये नहीं कह रहा ना कि गुड फेथ में अगर कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें डेथ हो जाए, केवल हार्म की बात कह रही है ना. देखो क्योंकि हाँ सर, क्योंकि थर्ड वाले में प्रोविजो में उन्होंने कहा है कि वॉलेंट्री कॉजिंग डेथ, तो मतलब सॉरी थर्ड वाले में ये कहा है वॉलेंट्री कॉजिंग, सॉरी सेकंड थर्ड में, सेकंड वाले में कहा है डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ. तो मतलब उसको जब वो गुड फेथ में कर रहा है तो उसको बस इतना पता है हार्म हो रहा है पर डेथ नहीं हो रहा. अगर उसको ये पता है डेथ हो रहा है तो वो इस एक्सेप्शन के अंडर नहीं आएगा, राइट? नहीं नहीं अंशिका, देखो आपका एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर आपको पता है कि आपके एक्ट से कॉन्सिक्वेंस जो आपके एक्ट है वो डेथ कॉज कर सकते हैं. ठीक है, आपके एक्ट से डेथ हो सकती है, आपको नॉलेज है इस बात की. ठीक है, तो आप इस एक्सेप्शन का यूज जब भी ले सकती है. अगर जैसे मान लीजिए आपके एक्ट, जैसे बच्चे को टाइगर उठा के लेके जा रहा है, 10 साल का बच्चा था, ठीक है, आपके पास गन थी, आपने फायर किया, आप एक प्रोफेशनल शूटर है, चलो प्रोफेशनल नहीं भी है, नौ से क्या एमेच्योर है, तो आपने शूट किया पेट फुले जाके टाइगर को लगने के बजाय टाइगर थोड़ा हिल गया बच्चे को लगे एंड द चाइल्ड डाइड. ठीक है, नाउ दिस एक्सेप्शन विल अप्लाई. ये आपका सेकंड वाला है. देखो कैसे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करो कि आपका एक्ट कैसा था विच वी न्यू दैट इज लाइकली टू कॉज दैट. तो हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है कि गुड फेथ में कर रहे हैं, फॉर द पर्सनल बेनिफिट कर रहे हैं. ठीक है, और केस कैसा है कि जहाँ पे पर्सन इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. अब मान लीजिए इसमें एक रिक्वायरमेंट और सेटिस्फाई करनी कि आपको कंसेंट लेनी होती गार्जियन की या द पर्सन हु इज ड्राइविंग लॉफुल चार, तो मान लीजिए साथ में उस बच्चे के पेरेंट्स भी थे. ठीक है, आप जू में गए, बच्चा गलती से पिंजरे में गिर गया, ठीक है, जो प्रेजेंट था उसका जानवर का एंड दैट पर्टिकुलर एनिमल स्टार्टेड टू कैरी अवे द चाइल्ड. तो यहाँ पे रीजनेबल अप्रीहेंस करने की डेथ कॉज होगी, एग्रीमेंट स्टार्ट होगी, उसके पेरेंट्स ने आपको कहा कि यू हैव द गन प्लीज शूट दिस एनिमल, हमारे बच्चे को बचाओ, आपने शूट किया गलती से बच्चे को लग गई. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में आप फिट हो जाएंगी बिकॉज यू डिड द एक्ट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट विद द कंसेंट ऑफ द गार्जियन ऑफ द पर्सन. ठीक है, एंड यू न्यू दैट ऑल्दो यू न्यू दैट योर एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, बट आपके एक्ट का पर्पस क्या था, इट वॉज टू प्रिवेंट डेथ और गिव अ सर्ट टू द चाइल्ड. ठीक है, जहाँ पे डेथ हुई नहीं रही अंशिका वहाँ पे सेकंड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना. अगर ग्रीवियस हर्ट हो गई है तो थर्डली में फॉल हो जाएगा. अगर ग्रीवियस हर्ट हुई है तो आप देखिए किस एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए थी वो, अगर वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ को प्रिवेंट करने के लिए थी और ग्रीवियस हर्ट हो गई पर्सन को, कोई बात नहीं, थर्ड में आ जाएंगे आप. ओके या सर, लाइक वी हैव टू सी वेदर द एक्ट डन वाज फॉर प्रिवेंटिंग डेथ और नॉट फॉर एनी अदर पर्पस. अगर डेथ हो रही है, अगर डेथ हो रही है किसी केस में, ग्रीवियस हर्ट हो रही है, तो आपको ये देखना है किस पर्पस के साथ एक्ट किया गया. पहले तो सेक्शंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लीजिए. ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए, फॉर द पर्सन बेनिफिट होना चाहिए. उसके 89 के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, 89 में गार्जियन की या लॉफुल चार्ज वाले पर्सन की कंसेंट होनी चाहिए. ठीक है, नाउ वी कम टू एज एक्ट. ठीक है, एक्ट कैसा है, अगर एक्ट ऐसा है जहाँ पे डेथ हो गई है तो सेकंड में फॉल करने के लिए जरूरी है कि आपको पता था कि अगर आप ये एक्ट नहीं करेंगे, ऑल डू यू न्यू डेट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, पर आपने किस लिए करा, पर्पस क्या था, प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी. सिमिलरली वॉलंटरी बेसिकली ग्रीवियस हर्ट हुआ है किसी केस में, तो आपको थर्ड में लेके आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ऑल डू आई वॉलंटरी कॉज ग्रीवियस हर्ट टू दिस पर्सन, बट माई पर्पज वॉज टू प्रिवेंट डेथ और टू ग्रीवियस हर्ट और टू प्रिवेंट ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी. ठीक है, अगर छोटा मोटा हार्म हो रहा है तो ऑलरेडी आप एग्जेम्प्टेड है, आपको इसमें आना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, यस सर. सर जस्ट अ वेरी वियर्ड एग्जांपल, जैसे आपने इसमें टाइगर का एग्जांपल दिया था, अगर उसकी जगह सपोज एनी अदर एनिमल जो इतना हार्मफुल ना होता, जैसे मे बी मंकी, तो उसमें अगर वो गोली मारता और बच्चे को लग जाती तो वो इस एक्सेप्शन में नहीं फॉल होता ना. मंकी वाले केस में ग्रीवियस हर्ट हो सकता है ना, ऑल्दो मंकी विल नॉट कॉज दैट, चांसेस है ग्रीवियस हर्ट हो सकता है. अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है, आपका देखा जाएगा कि देखो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, तो हमारे लॉ में हमेशा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं. ठीक है, विदाउट फैक्ट
हम लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अगर फैक्चुअल सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या फिर डेथ हो सकती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से भी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, बट यू आर डूइंग इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट, तो वहाँ पे आप लाइबल नहीं हो। ठीक है, ऑल दो हार्म कुछ भी हो जाए, चाहे डेथ हो जाए चाहे ग्रीवियस हर्ट हो जाए, दैट्स व्हाई एक्सेप्शन हैज बीन मेड, है ना। जब अगर कोई हार्म हुआ ही नहीं या फिर छोटा मोटा हार्म हुआ तो एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं थी। एक्सेप्शन की जरूरत इसलिए पड़ी ना कि कई बार हम अच्छा चाह रहे होते हैं पर उसके चक्कर में ज्यादा हार्म हो जाता है। ठीक है ना, कि वी जस्ट वॉन्टेड टू सेव द पर्सन बट बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्ट दैट पर्सन डाइड। पर आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन भी ऐसी थी कि अगर आप एक्ट नहीं भी करते तो जब भी डेथ होने वाली थी। ठीक है, तो जैसे एक देखिए कि जैसे कोई डॉक्टर है, बच्चे को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला है, जैसे छोटा बच्चा है, थर्ड वेव आ गई, छोटा बच्चा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ही माई डाइड ड्यू टू कोविड हो गया उस बच्चे को, ठीक है, डेल्टा वाले वेरियंट से, नाउ दिस चाइल्ड माई डाइड। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने उनसे कंसेंट फॉर्म भरवा लिया, ठीक है, कि आप कंसेंट फॉर्म भर दीजिए कि इनकेस अगर हमारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर एंड कॉशन, जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करने के बाद भी अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वी विल नॉट बी लाइबल। नाउ द सर्जन ऑपरेट्स ऑन द चाइल्ड, सारा प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे या फिर डेक्सोना के आपके जो स्टेरॉइड्स है वो इंजेक्शन लगे, बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड डेवलप सम कॉम्प्लिकेशन एंड दैट्स व्हाई चाइल्ड डाइड। ठीक है, एंड डॉक्टर न्यू दिस वक्त की ट्रीटमेंट ऐसा है कि डेथ हो सकती है, तो एज लॉन्ग एज डॉक्टर आर एक्टिंग इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट विद द कंसेंट ऑफ द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, वो लाइबल नहीं हुआ, चाहे उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाए चाहे डेथ हो जाए। तो सर जस्ट लास्ट डाउट, 88 और 89 में वो यही डिफरेंस है, बिकॉज 88 इज वेरी जनरल इन नेचर, 89 इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अंडर अनसाउंड माइंड एंड द पीपल अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। 89 स्पेसिफिकली रेफरेंस दे रहा है आपको अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए और आपके चिल्ड्रन हुआर अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। 88 में आप देखिए आप कंसेंट किससे ले रहे हैं, आप कंसेंट उसी से ले रहे हैं द पर्सन इज गोइंग टू सफर द हार्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अगर आप मेरे को हार्म कर रही है तो आप मेरे से कंसेंट ले रही है ऑलरेडी कि ठीक है आप हार्म सफर करने को तैयार है क्या, ऑल दो यू आर डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ फॉर माई ओन बेनिफिट। जैसे आप बड़ी हैं, यू आर अबाउ 18, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होगी तो यू विल बी गिविंग कंसेंट फॉर द ऑपरेशन और जो भी सर्जरी वगैरह होगी, नॉट योर पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, बिकॉज यू आर नाउ मेजर, आपके बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता, आप भी कंसेंट देगी जब भी मानी जाएगी, आपके पेरेंट्स अगर दे भी दे तो दैट विल नॉट बी वैलिड कंसेंट बिकॉज नाउ योर कंसेंट नीड्स टू बी टेकन। जब आपने प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेज जानने के बाद कि इन एक्ट के इन दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करने की कंसेंट दी, आफ्टर विच कॉम्प्लिकेशन कुछ डेवलप हुई, ग्रीवियस हर्ट या डेथ वगैरह होता है, तो इन केसेस, इन दो केसेस हॉस्पिटल हॉस्पिटल विल नॉट बी लाइबल। ठीक है, 89 स्पेसिफिकली आ जाता है अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और अनसाउंड माइंड, जो जिनकी लीगल कैपेसिटी नहीं है कंसेंट देने की तो उनके बिहाफ पे कोई और कंसेंट देता है, एंड देन सेक्शन प्रोवाइड्स के रिक्वायरमेंट क्या है कंसेंट देने की, कितना हार्म हो सकता है, फिर प्रोवाइड दे रखे एडिशनल सेफगार्ड दे रखे। ठीक है, तो यस सर, यस सर, चलो इसका हमने देखा, तो देखो मेन मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, पहला तो है कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ करने की। ठीक है, आपको नॉलेज हो सकती है पर इंटेंशन किसी हालत में नहीं हो सकती, देयर शुड नॉट बी एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज दैट। क्रिमिनल इंटेंशन कब कहते हैं हम, कि जब पर्पसफुली या डिजाइनली हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम डिजायरस है वो कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करने के लिए, तो इट इज ए डिग्री हायर देन द नॉलेज, जो मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ। तो नॉलेज इज जस्ट अवेयरनेस रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, इंटेंशन इज समथिंग विच यू एक्टिवली वॉन्ट। ठीक है, तो हमेशा जो थिन लाइन डिफरेंस है, पर हमेशा ध्यान रखिए डिफरेंस है, ऑल दो द लाइन इज वेरी थिन वेरी ब्लर बट डिफरेंस है, ये हमेशा ध्यान रखिए, सब्सटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जैसे इसमें डॉक्टर्स वाले केसेस है, तो अगर देखिए ये मेरे को बताइए केस कि अगर कोई ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर है हु इज नॉट अप टू द मार्क, जैसे क्वैक कहते हैं उनको कि वो आर नॉट लीगली क्वालिफाइड या उतने कॉम्पिटेंट नहीं है विद रिगार्ड टू हैंडलिंग दोज केसेस, और अगर उनकी वजह से ऑल दो देवर एक्टिंग फॉर द पर्सनल बेनिफिट सब कुछ कर रहे थे और उनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, तो वेदर दे विल बी एग्जेम्प्टेड और नॉट। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक है, बाद में पता चला आपको कि द सर्जन वाज इनकॉम्पिटेंट, प्रॉपर डिग्री वगैरह नहीं थी उसके पास, या फिर जितनी क्वालिफिकेशन बता रखी थी उतनी नहीं थी, ठीक है, और उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, तो वेदर द सर्जन कैन टेक द एक्सेप्शन कि आई वॉज एक्टिंग इन आई वॉज एक्टिंग फॉर द पर्सनल बेनिफिट विद द कंसेंट ऑफ दिस पर्सन? नो सर। क्या कारण होगा आशीष उसका? क्योंकि सर उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी इतनी। सेक्शन में आप क्या बोलोगे कि क्या चीज है, क्या एलिमेंट मिसिंग था? सर आई डोंट थिंक, अगर 89 में मैं अगर इफ आई एम द डॉक्टर हु इज नॉट लीगली क्वालिफाइड प्रॉपर
क्वालिफाइड नहीं हूँ मैं, है ना, जैसे MBBS ही मेरे पास, मैंने MD नहीं कर रखी, ऑल्दो आई एम शोइंग दैट कि मेरे पास MD है, आई एम कॉम्पिटेंट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ केसेस, और फर्दर मेरी इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपको हो जाता है, एंड आई टेक द एक्सेप्शन अंडर 89, ठीक है। तब बताओ कि वॉट एलिमेंट इज मिसिंग कि जिसके बेसिस पे आप कहेंगे कि यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड। मैं प्रॉपर चाहता हूँ आपका बेनिफिट करना, है ना, मैंने कंसेंट भी ले लिया आपके गार्जियन से, ठीक है, एंड द एक्ट आई डिड, जो मैंने आप पे ऑपरेट करा और जो मैंने सारे जो डोजेज आपको एडमिनिस्टर करे वो सब रीजनेबल थे, उस स्टैंडर्ड के जो डॉक्टर्स हैं, मतलब मेरे जो प्रोफेशन में डॉक्टर्स हैं जो कॉम्पिटेंट है, उनने सबने सर्टिफाई कर दिया कि दोज एक्ट और दोज स्टैंडर्ड फॉलोड बाई दिस पर्सन आर प्रॉपर कॉम्पिटेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने भी ये फॉलो किया होगा। बट वॉट इज समथिंग मिसिंग कि जिसके बेसिस पे मेरे को एग्जम्पशन एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगा, बताओ फैजुल क्या बोल रहे हो? सर मैं बोला सर गुड फेथ वाला एलिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, गुड फेथ का मतलब ये होता है नॉट टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपनी इनकॉम्पिटेंस एक्वायर किया, जब आप मतलब बेसिकली यू आर नॉट लीगली क्वालिफाइड, प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है, तो दैट मींस गुड फेथ एलिमेंट इज मिसिंग। आप ऑल्दो यू आर एक्टिंग फॉर द पर्सनल बेनिफिट, बट इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज इन गुड फेथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप उस चीज के लिए सर्टिफाइड नहीं है। ऑल्दो जैसे यही होता है ना कि जो हमारे 16-17 ईयर्स ओल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, खासकर लड़के होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, दे आर, अगर मेरी माने तो दे आर एक्चुअली ड्राइविंग, जो तेज नहीं चला रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली ड्राइविंग बेटर देन सम एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है, उनसे कई अच्छा ड्राइव कर रहे होते हो, दे नो कि हाउ टू टेक चार्ज कट्स वगैरह सब कुछ पता है, तेजी से ब्रेक लगते हैं, बॉडी इज फुल्ली फंक्शनल, ठीक है, बट उनका एक गुड फेथ में नहीं होता, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन, जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज यू नीड टू टेक लाइसेंस एंड लाइसेंस इज गिवन ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो गुड फेथ नहीं किया जा सकता। एज लॉन्ग इवन दो दे आर ड्राइविंग वेरी सेफली, 40-50 की स्पीड में चला रहे हैं, फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स, इंडिकेटर दे रहे हैं, साइड मिरर्स में देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, स्पीड रीजनेबल है, सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, बट द मेन एलिमेंट इज मिसिंग जो गुड फेथ का है, बेसिकली कि आप ड्राइव कर ही नहीं सकते 18 से पहले, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखिए, पहला तो है आपका देर शुड नॉट बी एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज दैट, ठीक है, फिर आ जाता है इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, तो इसको देख लेंगे, एक मिनट हम देखते हैं बेनिफिट वाला पार्ट आपको जब समझ में आएगा, जब एक बार हम 92 भी देख लेंगे। तो अभी बताओ कि 89 में कोई डाउट है क्या, एनी डाउट इन 88 और 89? तो यहाँ पे जो एलिमेंट आपको सेटिस्फाई करने हुए हैं, नो क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज दैट, that should be done in good faith for the person's benefit and it should be done after taking the consent. Consent किसके लेंगे आप, अगर basically child under 12 years of age है तो उसके guardians की लेंगे, और अगर person is of unsound mind तो the person in whose lawful custody is, जो legally lawful charge है जिसकी person का, उससे आप consent लेके करेंगे, ठीक है। फिर further safeguards हैं, उस पर भी हमने सब क्लियर करा, कोई doubt है इसमें आगे बढ़े? चलो ठीक है, प्लीज कम टू 92, फिर उसके बाद एक बार कॉमन इंग्रेडिएंट देखेंगे, ठीक है, प्लीज रीड सेक्शन 92। यस सर, सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, even if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the things to be done with benefit. Provisos provided firstly that proviso third read karo kyunki third is different hai, first second or fourth same hai jo aap 89 mein the, only third is different. Okay sir, thirdly that this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt or attempting to cause hurt for any purpose other than preventing of death or hurt. ठीक है, तो आपका 92 जो आ जाता है, इसका 92 बेसिकली क्या, सेम सेक्शन है, ठीक है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ सेम है, बट व्हाट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज डीलिंग विद द सिचुएशन वेयर इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर रहा है, ठीक है, जहां पे वेयर यू डोंट हैव द टाइम टू टेक कंसेंट ऑफ द गार्जियन या फिर उसके पेरेंट्स की, या द पर्सन इज अनकॉन्शियस, ठीक है, आप उस पर्सन की भी ले सकते हैं, द पर्सन इज अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज एंड ही इज 40 ऑफ साउंड माइंड एंड ही इज अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज, तो आप उसके कंसेंट नहीं ले सकते बिकॉज ही इज अनकॉन्शियस, इस हालत में नहीं है कि कंसेंट दे सके, एंड सेकेंडली अगर वो बच्चा है, ठीक है, कंसेंट देने की हालत में, बट ही इज नॉट लीगली केपेबल टू गिव कंसेंट, तो उन केसेस में द गार्जियन इज नॉट अवेलेबल, द पर्सन इज हु इज लॉफुल चार्ज, दिस पर्सन इज वो अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर रहा है वेयर
यू नीड टू डू द एक्ट इन फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पर्सन इन गुड फेथ, बट यू कैन नॉट टेक कंसेंट. ठीक है, डिफरेंस 89 और 92 में यही है कि 89 में जो काम करे जा रहे हैं इट इज विद बेसिकली आफ्टर टेकिंग कंसेंट ऑफ सम पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए आप काम करने वाले हैं. 92 में क्या हो रहा है कि 92 में आपके पास कंसेंट लेने का आइदर यू डोंट हैव द टाइम, या फिर जिस पर्सन से आपको कंसेंट लेनी चाहिए वो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए बिकॉज ऑफ सम ग्रीवियस इंजरी हो गई या कॉन्शियस नहीं है. ठीक है, या फिर चोट लग गई इस वजह से नहीं, या फिर उसके गार्जियन से भी नहीं ले सकते बिकॉज दे नो मच टाइम, या फिर आपको पता ही नहीं है डॉक्टर और आपको इमीडिएटली ऑपरेट करना है कि इसके गार्जियन या कौन है. ठीक है, तो बाय द टाइम यू विल टेक कंसेंट चांसेस आर दैट इट कैन टर्न फैटल कि ग्रीवियस इंजरी और बढ़ सकती है. ठीक है, इंजरीज तो एक्सीडेंटल केसेस हो गए, इमरजेंसी सिचुएशन वाले हो गए वेयर यू नीड टू क्विकली ऑपरेट विदाउट टेकिंग कंसेंट. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वो सेम रिक्वायरमेंट है कि दैट शुड बी इन गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट. ठीक है, द मीन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट इज एब्सेंट बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर रहा है. तो विदाउट कंसेंट भी अलाउ किया गया कि आप एक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड द एक्ट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन एंड इट वाज विद द बेसिकली इट वाज डन इन गुड फेथ. तो सेम ही है पहला वाला, इसका प्रोविजन अगर देखते हैं जो एडिशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है तो वो ही सेम प्रोहिबिट कर देता है कि इवन इन सच केसेस देयर कैन नॉट बी एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज दैट. सब में ये सिमिलर है, ये लाइन ऑफ थ्रेड कॉमन है कि देयर शुड नॉट बी एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज दैट. सेकंड एक्सेप्शन भी सेम है कि जहाँ पे आपको नॉलेज है कि आपका एक्ट कैन लाइकली टू कॉज दैट, तो उस सिचुएशन में जरूरी है कि द एक्ट शुड बी डन टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस डिजीज और इनफर्मिटी. तो जहाँ पे आपको नॉलेज है कि आपका डेथ, आपका एक्ट डेथ कर सकता है, रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, तो वो उसी पर्पज के लिए होनी चाहिए. इट शुड बी आइदर टू प्रिवेंट डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस डिजीज और ग्रीवियस इनफर्मिटी. ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन में चेंज आता है, फोर्थ सेम है. तो अभी थर्ड हम देखेंगे कि थर्ड में चेंज क्यों. कॉमन इन्ग्रीडियंट्स क्या आ गए कि नो क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज दैट. सेकेंड इज कंसेंट. ठीक है, कंसेंट 89 में आप ले रहे हैं आइदर ऑफ द गार्जियन और द पर्सन हु इज हैविंग लॉफुल चार्ज. 92 में क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपके पास कंसेंट लेने का टाइम नहीं है. नाइदर यू कैन टेक कंसेंट ऑफ द गार्जियन, नाइदर यू कैन टेक कंसेंट ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, ड्यू टू सम रीजन और अदर इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम द गुड फेथ पार्ट. तो अब गुड फेथ वाला जो है हम तीनों के केसेस में डील कर रहे हैं, 88 में भी गुड फेथ है, 89 में भी गुड फेथ है, 92 में भी गुड फेथ है. तो नाउ द वर्ड गुड फेथ मीन्स जनरली अगर सेक्शन 52 हम आईपीसी का देखते हैं तो दैट टॉक्स अबाउट टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन, ये गुड फेथ का मतलब होता है. बट दीज सिचुएशन यहाँ पे क्या थोड़ा हार्म इन्वॉल्व है, एक्सेप्शन में आप आ रहे हैं. एंड इफ द पर्सन इज अ प्रोफेशनल पर्सन तो गुड फेथ एंड गुड फेथ वाला एलिमेंट है उसका भी स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है. तो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड कॉशन जो अटेंशन आपको देनी है इट विल ऑल्सो इंक्रीज. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो गए तो एज अ डॉक्टर अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो यू शुड हैव एक्टेड एज अ रीजनेबल पर्सन, रीजनेबल स्टूडेंट डॉक्टर that would have followed all the techniques and of all the operationalities the modalities of the profession. Jo profession mein reasonable standard hai, as long as you are following that, that means you are acting under good faith. Agar aap aisa treatment ka channel follow kar rahe hain which are not followed by the doctors of the day, jo outdated ho chuka hai, ya fir there is a considerable jiske regarding criticism hai jisko majority of doctors sahi nahi mante, wo aap follow kar rahe hain, so that will not come under the category of good faith. theek hai, to good faith mein dhyan rakhna hai ki normal जो नॉर्मल जो हमारे स्टैंडर्ड पीपल है, ठीक है, कॉमन पीपल, उनके उनके जो स्टैंडर्ड होगा गुड फेथ का वो नहीं, आपको एक हायर स्टैंडर्ड एक्सरसाइज करना है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन. ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं तो उस हिसाब से आपका गुड फेथ वाला स्टैंडर्ड डिटरमाइन होगा. ठीक है, तो लॉयर हैं, एज ए लॉयर भी आप ऐसा कुछ काम करें आप, आपको पता है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट कैन अदरवाइज भी द कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसी स्टैंडर्ड पे आपका गुड फेथ वाला स्टैंडर्ड आएगा. ठीक है, तो जैसे आप किसी क्लाइंट का केस डील कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको पता है कि अगर प्रॉपरली केस हैंडल नहीं किया तो डेथ पेनल्टी लग सकती है. ठीक है, तो गुड फेथ उसी लेवल में इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि जो गुड फेथ का एलिमेंट होता है, बेसिकली जो कंसेंट का एलिमेंट होता है कि आप कंसेंट दे रहे हैं, इट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन गुड फेथ. कल भी कहा था मैंने, कंसेंट एंड गुड फेथ आर इंटरडिपेंडेंट. आप कंसेंट इसलिए दे रहे हैं कि यू presume that the other party will be acting in good faith. Good faith का मतलब है care and caution, and care and caution depends upon the circumstances, depends upon the qualities of the person, education, उसका literacy level क्या है, उसका professional level क्या है. ठीक है, it depends on the profession to profession, circumstances to circumstances. तो अगर सर्जरी बहुत ही मेजर सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, तो the standard of good faith also increases. ठीक है, छोटा मोटा एक्ट है तो गुड फेथ ऑल्सो डिक्रीजेस. तो प्रपोर्शनेट है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो ये इसके कॉमन कॉमन एलिमेंट्स हैं इन सब में. 92 में जो ओनली एक्सेप्शन इज अराइजिंग कि 92 में कंसेंट कोई दे नहीं रहा. ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में डील कर रहा है. ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक जितना भी देखा?
लॉबिस्ट आ जाते, केस में आ जाते। देखो आई एम नटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कैन यू सी दिस फर्स्ट वाला? सर ये जो मैगजीन्स हैं ऊपर, सर नहीं हैव वी डन दिस मैगजीन? नहीं अभी नहीं करी, ठीक ओके है? वेदर यू कैन सी द फर्स्ट केस, आई एम नटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यस सर। चलो तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देखो 89 में क्या जो डील हो रहा होता है, मेजर मेजोरिटी ऑफ केसेस जो बच्चों वाले होते हैं वो फॉल करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो इन्हीं केसेस में बनेगा जहाँ पे टीचर पिटाई वगैरह कर देते हैं बच्चों की, ठीक है? तो बेसिकली ये कोर्ट के पास केस गया था जहाँ बच्चे की पिटाई हो गई थी, तो पेरेंट्स ने फाइल करी, तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम ये अथॉरिटी टीचर्स को डिनाई कर देंगे तो इट विल बी समथिंग वी आर टेकिंग वेरी असेंशियल एलिमेंट ऑफ दियर प्रोफेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ वेलफेयर डिसिप्लिन एंड एजुकेशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ द पेरेंट्स कंसर्न, ठीक है? कि जो आपके वार्ड्स है उनकी वेलफेयर, उनकी डिसिप्लिन, उनकी एजुकेशन के लिए एक असेंशियल अथॉरिटी टू टीचर्स से कंसर्न करी जानी चाहिए, ठीक है? मैंडेटरी है। तो जो चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स तक की एज है तो उन केसेस में माना जाता है कि देर इज इम्प्लाइड कंसर्न गिवन बाय द पेरेंट्स कि आप सेम अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि पेरेंट उस कंडीशन में एक्सरसाइज करता है, ठीक है? सर कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी गिवन फॉर द पर्पसेज ऑफ मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, फॉर इनएक्यूलेटिंग गुड क्वालिटीज, फॉर करेक्शन ऑफ द चाइल्ड के नोटोरियस है, बहुत बदमाश है, तो उसको सही करने के लिए। देखो कई बार बातों से असर नहीं पड़ता, टेंडर एज होती है तो मार पड़ने से ऑल दो हम कितना भी उसको गलत माने पर वो सही होता है, ठीक है? एक्चुअली हम सब ने देखा है एंड एक्चुअली इट वर्क ऑन यंगर चिल्ड्रन विद एज, ये थोड़ा रिवर्स फैक्टर होना चाहता है, थोड़ा रिवर्स हो जाता है ये चीज़ की, बड़े होने के बाद अगर पिटाई करती है तो इट बैकफायर, बट छोटे बचपन में आपके होते तो ये दैट एक्चुअली बेनिफिट देते हैं एज लॉन्ग एज इट इज मॉडरेट रीजनेबल, ठीक है? पिटाई का मतलब नहीं कि आप बहुत बुरी तरह से कर रहे हो, तो दैट मीन्स मॉडरेट रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस कि एक्ट कैसा था उस पर डिपेंड करता है। कोर्ट सेड दैट कि इफ यू टेक द पावर्स ऑफ टीचर, कि दीज पावर्स इफ यू टेक अवे फ्रॉम द टीचर, कि आप उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट लगाने के लिए देंगे, यू आर टेकिंग समथिंग वेरी डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इनक्यूलेटिंग क्वालिटीज, डिसिप्लिन, ठीक है, ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन कंसर्न, उनके लिए जरूरी है, ठीक है? तो माना जाता है कि व्हेनेवर यू आर इंटरेस्टिंग ए चाइल्ड, इंटरेस्टिंग योर चाइल्ड टू द स्कूल अथॉरिटी, If the child is under 12 years of age, that means you as a parent आपने implied consent दे दिया कि आप punishment inflict कर सकते हैं depending upon the situation, as long as it is moderate and reasonable, ठीक है? As long as it is for the benefit of the ward. But person जब children 12 या 12 से ऊपर का है तो उन केसों में माना जाता है कि child की खुद की implied consent है, the child himself herself is submitting to the school authorities कि मैंने consent दे दिया, आप मेरे को punishment दे सकते हैं provided situation ऐसी हो, ठीक है? द रीजन बिंग कि यहाँ पे आई क्यू में 112 वालों तक को वैलिड कंसेंट वाला नहीं माना गया, दे डोंट हैव द लीगल कैपेसिटी टू गिव कंसेंट, अबाउट 12 है तो आप दे सकते हैं, ठीक है? तो स्कूल फॉर्म ज़्यादातर जब आप एडमिशन कराते हैं तो ऐसे कोई फॉर्म नहीं भराते कि हम पिटाई करेंगे तो आप कंसेंट दे रहे हैं अपनी, अगर कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि जब आप टूर्स पे जाते थे या ट्रैक वगैरह पे जाते थे या फिर आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते तो वहाँ पे एक्सप्रेसली एक फॉर्म भराया जाता है कंसेंट फॉर्म का, जो आपको पेरेंट्स को साइन करा के लाना होता है। अदरवाइज फॉर द डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज के लिए कोई फॉर्म नहीं होता था क्योंकि देर वॉज सम इम्प्लाइड कंसेंट। कुछ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज गोइंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्कूल अथॉरिटीज, एजुकेशन से बाहर जा रही है, स्पोर्ट्स हो गया, ट्रैकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, उन केसेस में अलग से फॉर्म होता था कि अगर उन सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे जिससे कि वो अपनी लाइबिलिटी बचा सकते। ध्यान है सबको ये? सर कभी कभी होता भी नहीं था, मतलब ऐसे चले जाते थे। तो ठीक है वो इम्प्लाइडली अगर आप स्कूल अथॉरिटीज के साथ जा रहे हैं तो वो वैसे भी वो कंटिन्यूशन में ही माना जाएगा, उन्हीं की अथॉरिटी में, और जो सेम कंटिन्यू ऑलरेडी जो आपके पेरेंट्स ने दे रखी है उनको अथॉरिटी, वो सेम अथॉरिटी वहाँ पे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे जिसके लिए रिस्ट्रेंट लगाना जरूरी है, मार पड़ना भी जरूरी है, तो टीचर्स लगा सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई ऐसी बात नहीं, एज लॉन्ग एज देखिए जाने की मॉडरेट हो, रीजनेबल हो, ठीक है? अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट नहीं होनी चाहिए। सर एक बार थर्ड क्लॉज आप रिपीट करेंगे, थोड़ा सा मिस हो गया था, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। एक मिनट मैं बस इसको खत्म कर दूं, कॉर्पोरल पनिशमेंट वाले को। जी सर, आपको देखना है कि अगर आपको एज ए टीचर ये बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा 88 या 89 का। देखो 88 भी टीचर्स के लिए काम आ सकता है, ठीक है? प्रोवाइडेड चाइल्ड 12 ईयर्स के ऊपर का, ठीक है? तो 88 आ जाएगा, चाइल्ड 12 ईयर्स से नीचे का तो 89 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको पता लगाना है कि वेदर दिस बेनिफिट शुड बी कंफर्ड अपॉन द टीचर, तो आपको देखना पड़ेगा वॉट इज द नेचर एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड। अगर पनिशमेंट के रिगार्डिंग कंप्लेन हुई है कि इट वॉज इमॉडरेट अनरीजनेबल था, तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट वॉज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, व्हाट वॉज द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट एंड व्हाट वॉज द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट। उससे डिटरमाइन होगा कि वेदर इट वॉज रीजनेबल, वेदर इट वॉज मॉडरेट, वेदर इट वॉज डिमांडेड इन दो सिचुएशन, नेसेसरी था या नहीं था। तो
नेचर एक्सटेंट और सीवियरिटी आपको पनिशमेंट की देखनी पड़ेगी, ठीक है। और पर्पस हमेशा कॉर्पोरल पनिशमेंट का, जो आपकी पिटाई हो रही है उसका क्या होगा, टू मेंटेन डिसिप्लिन, करेक्शन चाइल्ड का करेक्शन के लिए जरूरी है, टू मेंटेन गुड क्वालिटीज, तो नई क्वालिटीज उसमें डाली जा सके, गुड क्वालिटीज डाली जा सके, एंड टू मेंटेन द ओवरऑल डेकोरम ऑफ द स्कूल, डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, ठीक है। थर्ड क्लॉज कौन सा, इशू कौन सा वाला देखना है सर? इसी का मतलब, ये जो 92 का है ना, बता रहे थे वॉलंटरी क्लॉज। हाँ एक मिनट में बता रहा हूँ मैं कि उसमें उस पर आ जाते हैं। देखो प्रोवाइजो, अब जो सिमिलर एलिमेंट है 89 और 92 में, वो है आपके प्रोवाइजो। प्रोवाइजो आर बेसिकली एडिशनल सेफगार्ड, क्योंकि सेक्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ये कि अगर आपका एक्सेप्शन क्लेम करना है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, गुड फेथ दिखाना पड़ेगा, फॉर द पर्सनल बेनिफिट, हमने देख लिया बेनिफिट भी होता है ना। एक चीज हम मिस आउट कर गए, देखो अंशिका यहाँ पे 92 के नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कैन यू सी दैट एक्सप्लेनेशन? सर 92 में फोर्थ सिचुएशन है, उसके बाद इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन के बाद भी एक एक्सप्लेनेशन होगा, देखो। यस सर, यस है ना, एक बार रीड दैट। मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट अ बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि अब तक क्या एक्ट हो रहे थे जो गुड फेथ में, तो गुड फेथ का हमें मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब था सेकंड थिंग वाज दैट कि इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे बेनिफिट का क्या मतलब होगा, तो इनने कह दिया है कि 88, 89 और 92 में बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि मियर पिक्यूनरी बेनिफिट, खाली आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट नहीं कंसिडर किया जाएगा, मॉनेटरी के साथ कोई और बेनिफिट भी होना चाहिए, अगर मॉनेटरी नहीं भी हो रहा, कोई दूसरा टाइप का बेनिफिट हो रहा है तो इट इज वैलिड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट परेशानी कब है, जहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट ही हो रहा है। तो अगर सिचुएशन सोचते हैं, जैसे कोई बैगर है, ठीक है, बहुत ही गरीब इंसान है, आपके पास आता है, डॉक्टर को कहता है कि मेरा हाथ काट दो जिससे कि मेरे को भीख मिल सके, ठीक है, जिससे आई कैन शो माई एम्प्यूटेड हैंड कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे को भीख मिल सके, ऑल दो ये आप उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप गुड फेथ में कर रहे हैं, ठीक है, बट इट इज़ फॉर द पिकनरी बेनिफिट ओनली, ठीक है। क्या इसमें दूसरा एलिमेंट दिख रहा है आपको अपार्ट फ्रॉम कि भाई बैगिंग कर पाएगा उसके अलावा और कुछ? है ना, तो एक्सप्लेनेशन के ध्यान रखिए, बेनिफिट का मतलब नॉट मियर पिकनरी बेनिफिट, इट इंक्लूड्स अदर बेनिफिट एज वेल, तो जब जहाँ पे पिकनरी बेनिफिट हो रहा है इट शुड बी अकंपनीड बाय अदर बेनिफिट्स एज वेल, और जहाँ जिन केसेस में पिकनरी बेनिफिट नहीं, अदर टाइप्स ऑफ बेनिफिट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपको मॉरली बेनिफिट हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो तीन इंग्रेडिएंट है, गुड फेथ में है, फॉर द पर्सन बेनिफिट एंड कंसेंट। 88 में पर्सन की खुद की कंसेंट है, 89 में उसके गार्जियन है लॉफुल चार्ज वाले की, 92 इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पे कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इनके प्रोवाइजोज की, 89 और 92 में क्या सेक्शन इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। प्रोवाइजोज आर प्रोवाइडिंग एडिशनल सेफगार्ड, की एडिशनल सेफगार्ड आपको क्या देखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी इंटेंशन टू कॉज, दोनों में सेम है। तो सेकंड जो प्रोवाइजो है वो भी दोनों में सेम है कि अगर आपको नॉलेज है कि योर एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो आपका अगर एक्ट ऐसा है तो उनके सब में इट शुड बी टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट एज नॉट होती। नाउ द डिफरेंस लाइज इन थर्ड क्लॉज, थर्ड क्लॉज में आपको पता लग रहा है डिफरेंस क्या है? कैन यू पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्लॉजेस ऑफ 89 एंड 92? सर 89 इज टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, बट 92 इज टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट, सो सर दिस इज परफेक्ट। अब ये बता सकते हो डिफरेंस क्यों है, ये व्हाई 89 इज यूजिंग ग्रीवियस हर्ट और आपका 92 खाली हर्ट की बात कर रहा है? कि 92 में व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अंडर इमरजेंसी सिचुएशन आप वॉलंटरी से फाइट ही कर सकते हैं, एंड दैट टू फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और हार्ट। मे बी ऑफ कंसेंट फैक्टर, सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 89 में आपने ग्रीवियस हर्ट तक करने के लिए वॉलंटरी ग्रीवियस वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करने तक की परमिशन इसलिए दी है बिकॉज द रीजन बिंग कि वहाँ पे या तो गार्जियन का कंसेंट है या फिर द पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ओवर दैट पर्सन उसका कंसेंट। 92 में किसी का भी कंसेंट नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जस्ट टू गिव मोर सेफगार्ड टू दैट पर्सन हु इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, जिसके भी आपको किसी ने कंसेंट नहीं दिया, नाइदर दैट पर्सन इज हिमसेल्फ कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट नॉर सम अदर पर्सन इज अवेलेबल टू गिव कंसेंट ऑन हिज बिहाफ, तो सेंस कंसेंट नहीं है तो उनके केसेस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है चला के लॉ ने, बेसिकली आपके लॉ मेकर्स ने, कि एक्सेप्शन ओनली केसेस में अप्लाई होगा वेयर यू आर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट नॉट ग्रीवियस, ठीक है जी सर।
इसमें कोई डाउट आप बताओ, 89, 88, 89 और 92 में साथ में रीड करते हैं इनको, इनके इंग्रेडिएंट्स भी सेम है। कोई डाउट? ठीक है चलो सर, मैं जस्ट बोलो। वन डाउट सर, जो 92 है उसमें जैसे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है पर्सन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज एंड अनसाउंड माइंड, सो मीन इट इज जनरल इन नेचर, लाइक इट कैन अप्लाई टू एनीवन, ठीक है, ये राइट? इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अंशिका, जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वैसे वो कंसर्न नहीं दे सकता अंडर 12, और उसके गार्जियन भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बच्चा साइकिल चला रहा था अपना रोड पे, एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया, और यू आर ए डॉक्टर, आप उसके जस्ट पीछे ही थे, आप कार में थे अपनी, आपको लगा बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा है, तो इमरजेंसी मेरे को अपने क्लिनिक पे जाके उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब बच्चा है, कोई मोबाइल भी नहीं है, कोई वॉलेट भी नहीं है, जिससे आप निकाल के उसके गार्जियन को फोन करके इंटीमेट कर दें, तो ऑब्वियसली पहला एज ए मॉरल कंसिडरेशन, अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो उसको पिकअप करेंगी, अपने क्लिनिक में ले जाकर ऑपरेट करेंगी, ठीक है, देन यू विल इन्फॉर्म द पुलिस अथॉरिटीज कि मेरे को बच्चा मिला था, मैंने उसको ऑपरेट किया, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे पास, ठीक है, तो उन केस में नाइदर यू कैन टेक कंसेंट ऑफ दैट चाइल्ड, नाइदर यू कैन टेक कंसेंट ऑफ दैट गार्जियन ऑफ दैट चाइल्ड। तो ये नेसेसरी सिचुएशन है, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, अनसाउंड माइंड का हो साउंड माइंड का, सब पे इक्वली अप्लाई हो रहा है 92, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ओके सर, ठीक है, 90 में आपका आ ही गया कि प्री कंसेंट कौन सी होती है, 91 में आ जाते हैं, ठीक है, प्लीज कम टू 91। 90, वन ओके 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, द एक्सेप्शन इन 87, 88, 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच मे कॉज और इंटेंडेड टू कॉज और बी नोन लाइकली टू बी टू कॉज टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हूज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन। ठीक है, तो ये अभी आपको क्या साइमल्टेनियसली साथ में रीड करना है, 89, 87, 88, 89 के साथ। 87 आपको पता ही है कि जिन केसेस में कंसेंट दी थी, बात द पर्सन वाज अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज एंड कंसेंट शुड नॉट बी विद रिगार्ड टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट, 87 वो हो गया, 88 हमने आज देख लिया, ठीक है, 89 भी आपके पर्सन ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से रिलेट है, 88 वापस से जनरल सेक्शन है आपका जो स्पेसिफाई नहीं करता है, ठीक है, तो इन केसेस में बोल रहा है कि अगर कंसेंट दे रखी है एक्ट करने की, ठीक है, एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली एनी हार्म कॉज, तो अगर आप ऐसे एक्ट के रिगार्डिंग कंसेंट दे रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है विदाउट एनी हार्म कॉज, उसके हार्म से कोई रिलेशन ही नहीं है, आपने जिस एक्ट के रिगार्डिंग आप कंसेंट दे रहे हैं वो अपने आप में ऑफेंस है, दैट एक्ट इज पर से इलीगल, हार्म की जरूरत ही नहीं कि वेदर इट कॉजेज सम हार्म और नॉट हार्म, उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उन केसेस में अगर आप कंसेंट दे भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल बी एन ऑफेंस। इसको इलस्ट्रेशन से समझो, जैसे एक लेडी है हु इज प्रेगनेंट, है ना, और उसको पता लग जाता है कि शी गोज फॉर द मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी के लिए जाती है फॉर द सर्टेन डिटेक्शन, उसको पता लग जाता है देयर इज अ गर्ल चाइल्ड, शी नोज कि हर फैमिली विल नॉट अलाउड हर टू हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो वो बोलती है डॉक्टर को कि आई गिव कंसेंट कि मेरा मिसकैरेज करा दीजिए, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड या मिसकैरेज, ठीक है, तो मिसकैरेज अगर आप ITC में देखेंगे सेक्शन 312 में, मिसकैरेज इज ओनली अलाउड इन दो सिचुएशन वेयर इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन, कि वुमेन की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि मिसकैरेज कराना जरूरी है, अदरवाइज वुमेन की चांसेस है कि वुमेन को ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो सकता है, कि अगर आप उसको चाइल्ड को ग्रो करने देंगे या डिलीवरी कराएंगे तो उन केसेस में मिसकैरेज अलाउड हो रहा है, ठीक है, कि प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाया चाइल्ड या फिर खुद वुमेन की सेफ्टी को डेंजर है, तो उन केसेस में, तो अगर आप ऐसे एक्ट के लिए कंसेंट देती है, ठीक है, कि आई गिव कंसेंट कि आप मिसकैरेज करा दीजिए अबॉर्ट करा दीजिए, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ हार्म, मिसकैरेज और अबॉर्शन कॉजेज टू द बॉडी ऑफ वुमेन, इरेस्पेक्टिव ऑफ हार्म, कि आपको एक हल्का सा भी दर्द नहीं होता, नॉट इवन अ पिंच आपको दर्द नहीं होता, बट स्टिल इट विल बी एन ऑफेंस, इट डज नॉट मैटर कि वेदर यू गिव कंसेंट और नॉट, अगर आप फुल्ली कंसेंट फॉर्म भी साइन कर रही है क्लिनिक पर जाके कि आई कंसेंशुअली एग्री कि ये जो डॉक्टर डॉक्टर एक्ट ये अबॉर्ट कर दे या मिसकैरेज करा दे, बट स्टिल इट विल बी एन ऑफेंस, कंसेंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज द एक्ट इज पर से इलीगल, आम क्या होता है क्या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिमिलरली आप कंसर्न देती है कि आप मेरा सेक्स डिटरमिनेशन कीजिए, देखिए कि पेट में क्या है, वेदर इट इज गर्ल वेदर इट इज बॉय, है ना, कि आप सेक्स डिटेक्शन की कंसर्न दे रही प्रॉपर, एक्ट इज पर से इलीगल, कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्या हार्म होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, सिमिलरली आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कंसर्न देती है, किसी डॉक्टर को देते हैं कि यू कैन टेक अवे माई किडनी, ठीक है, क्योंकि मेरे को पैसों की जरूरत है ना, अलाउड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एज लॉन्ग एज इट इज फिलैंथ्रोपिक, कि आप
किसी की लाइफ सेव करने के लिए कर रहे हैं, और अगर आप इसलिए कर रहे हैं जिससे कि पैसा ले सके, ठीक है, तो डेट विल भी ट्रैफिकिंग में आ जाएगा। तो एक्ट इज पर से इलीगल, आप कंसेंट दे भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्ल है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, कंसेंट दे दी कि आई एम विलिंग टू एंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स, पूरी तरह से शी इज इन लव विद द बॉय, पूरा कंसेंट है, कोई फेक कंसेंट नहीं है, ट्रू कंसेंट है, बट स्टिल इट विल बी लॉ पास बिकॉज लॉ अलाउ ही नहीं करती आपको 18 से पहले कंसेंट देने का। तो 91 कह रहा है कि जो एक्ट्स पर से इलीगल है, जो पर से ऑफेंस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हार्म इट कॉजेस टू द पर्सन, वो ऑफेंस है। इट डज नॉट मैटर कि आपने कंसेंट दी चाहे नहीं दी, अगर आपने प्रॉपर कंसेंट भी दी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑफेंस रहेगा और पर्सन विल बी पनिश। ठीक है, इसमें कोई डाउट 91 में? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया 91? यस सर। चलो ठीक है, 93 में आ जाओ। एक डाउट था, जैसे बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफेंस आईपीसी में डिफाइन होना चाहिए इंडिपेंडेंटली या? देखो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, जो आईपीसी के अंडर ऑफेंस है, वेदर अंडर स्पेशल और लोकल लॉ में भी अगर आप कोई एक्ट ऐसा जो ऑफेंस है जिसके रिगार्डिंग कंसेंट देने, तो वो भी इसमें फॉल कर जाएगा। तो अगर ऑफेंस आईपीसी में नहीं है, अदर लॉ में है, बट वो एक्ट ऐसा है जो ऑफेंस है अपने आप में, इट डज नॉट नीड एनी हार्म। देखो कई एक्ट ऐसे होते हैं जब वो ऑफेंस इसलिए बनते हैं बिकॉज द हार्म दे कॉजेस, ठीक है, तो कई एक्ट ऐसे होते हैं दे आर इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म कॉज वो ऑफेंस होते हैं, जैसे मिसकैरेज कराना है ना, लेडी को कोई इंजरी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। सिमिलरली सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, कोई पेन नहीं हो रहा, सिमिलरली एक मशीन होगी चेक कर लेगी, दैट विल डिटरमाइन कि बॉय है गर्ल है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन को कोई पेन नहीं, लिटिल बिट ऑफ पेन भी नहीं है, ठीक है। तो एक्ट इज पर से इलीगल ऑफेंस, तो जो ये बोल रहा है कि इसमें ऑफेंस के जो एक्ट आपका ऐसा है उसमें अगर हार्म हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्ट ऐसा है जो पर से इलीगल है तो आप लाइबल है, वेदर इट इज अंडर आई पी सी फॉलिंग अंडर आई पी सी, वेदर इट इज फॉलिंग अंडर स्पेशल और लोकल लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सेप्शन का फायदा नहीं ले पाएगा। ठीक है सर। सर आई हैव अ जनरल डाउट सर, जब हम वो पढ़ रहे थे सेक्शन 87, तो उसमें सर आपने केस बताया था सर, वो एक बाबा रहता है सर, उसे ऐसा बिलीफ रहता है कि सर उसे कोई वरदान मिल गया है और उस मतलब वो इम्यून हो चुका है वो, लेकिन सर वो फिर अपने उससे कहता है सर उसे मतलब अटैक करने के लिए, वो जो डाओ वेपन होता है सर उसका भी तो एक्ट सर पर से इलीगल था, फिर सर उसे एक्सेप्शन क्यों मिलता है सर? तो एक्ट पर से इलीगल नहीं था, वो एक्ट इसलिए आप जो वेपन से आप वेपन चलाना है इससे कोई इलीगल नहीं, ठीक है, वेपन मैंने मार भी दिया आपके, ठीक है, उसके बाद फिर आपको पेन होता है तो वो हर्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, अगर इंजरी ज्यादा हो जाती है तो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा, या वेपन लगने से डेथ हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की डेफिनेशन में आ जाएगा ना, बट डूइंग द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट एनफ, ठीक है, वहां पे आपको हार्म की जरूरत है, ठीक है, कि उस वेपन से कोई हार्म हो जब आप उसमें आएंगे। ओके सर, अंडरस्टूड। है ना, एक्ट पर से इलीगल नहीं है वो, क्योंकि दूसरा पहली बात तो आपको कंसेंट दे रहा है, ठीक है, कि आप ये वेपन चलाओ, ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आप वेपन चला रहे हैं, बट द मोमेंट इज फैक्ट, फिर देखा जाएगा हार्म कितना होगा, ऑफेंस किस बेसिस पे बनेगा, कितना हार्म हुआ, ज्यादा हार्म हुआ तो ग्रीवियस हर्ट का बन जाएगा, कम हार्म हुआ तो हर्ट का बन जाएगा, और नियरली आपने वेपन चला के किसी को डरा दिया तो वह असॉल्ट हो जाएगा, तो आपको देखना होता है हार्म क्या होगा। पर क्या सर होता उस... है, क्योंकि एक्ट पर से इलीगल होता है ना, तो वहां पे बोल रहा है कि जहाँ एक्ट पर से इलीगल है ऑफेंस है, वहां पे तो कंसेंट देने से भी कोई काम नहीं चलता सर, लेकिन उस केस में डेथ भी तो हो जाती है उस बाबा की। बाबा की डेथ हो चाहे कुछ नहीं हो, पर इस पर लाइबिलिटी नहीं लगती उस मंत्र में, बिकॉज ऑल दो ही हैज द नॉलेज बट इसके पास इंटेंशन नहीं थी, तो 87 का एक्सेप्शन लग गया। 87 यही तो करता है ना कि आपको एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव द नॉलेज भी नहीं थी उस केस में, क्योंकि बाबा ने इतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, डिसाइपल था, कॉन्फिडेंस में ले लिया कि मेरे को डिवाइन पावर मिल गई, ठीक है। अब नॉलेज भी देखो आप क्या, जो मेरे को और आपको नॉलेज है वो आप हर किसी को अट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि दुनिया इस तरह चलती है, इस चीज़ का ये कॉन्सिक्वेंस होता है, आप एक लिटरेट की नज़र से देखो जो ऑलरेडी बाबाओं के वश में है, ठीक है, जो बात भी सुबह से लेके नहाने से लेके रात के खाने तक बाबा के कहने पर खाता है, तो आप उसका लेवल देखो ना कि उसको नॉलेज कितनी होगी। द नॉलेज फैक्टर इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कोर्ट का काम यही तो है ना, अगर कोर्ट में अगर सारी चीज़ें स्ट्रेट जैकेट चलती तो रोबोट बैठा देते, इंसानों की तो जरूरत ही नहीं होती ना, द ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड बिकॉज दे नो कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है पर्सन टू पर्सन, तो नॉलेज लेवल भी डिफर करेगा। तो ऐसे पर्सन को जहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में ले लिया जिसके ऊपर आप अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसको इतना कॉन्फिडेंस में ले चुके कि मेरे को वरदान मिल गया है, डिवाइन पावर एंड नो वेपन कैन कॉज इंजरी टू मी, उसके बाद आप चलाते हैं, तो नाइदर यू हैव नॉलेज नाइदर यू हैव इंटेंशन,
87 में फॉल गए, इंजरी से इंजरी का तो कोई लेना देना ही नहीं उसमें, इवन द डेथ इज कॉज, इवन द प्रीवियस हर्ट इज कॉज, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आपको इंटेंशन और नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि दिस दिस दैट कैन कॉज दैट टू प्रीवियस हर्ट। ओके सर, ऑल राइट, ठीक है, और कोई डाउट? चलो 93 पे आ जाओ। Section 93, communication made in good faith. New communication made in good faith is an offence by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. ठीक है, तो good faith वाला इसमें दो ही ingredients ये कि अगर आप किसी से communication कर रहे हैं, basically you are communicating something to other person, so that communication must be in good faith. Good faith का हमें meaning बताइए. Secondly, it must be for the benefit of the person to whom it is made. इलस्ट्रेशन समझा देता है कि कोई जैसे पर्सन है जो कि उसका इंजरी बेसिकली ऐसी डिजीज है या कैंसर है, तो डॉक्टर गोज टू द पेशेंट एंड सेज दैट यू आर इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ द कैंसर लास्ट स्टेज में एंड यू कैन डाई एनी मोमेंट, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन कि अगर वो किसी से मिलना चाहता है यू कैन कॉल नाउ दिस पर्सन, आप अपने रिलेटिव से मिल लीजिए बिकॉज यू डोंट हैव एनफ टाइम। तो नाइदर द डॉक्टर सेड सम लाई, आप झूठ भी बोले, इट वॉज मेड इन गुड फेथ कि आपको पता था कि ऐसा हो सकता है कि ट्रॉमा लग के भी इंसान जिससे पहले कैंसर डेथ कॉज करेगा शायद शॉक की डेथ कॉज कर देगा ना, एंड इट वाज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। ज्यादातर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वाले केसेस में होते हैं कि जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं, सिमिलरली जैसे आप हैं, आपने देखा कि सोसाइटी में रहते हैं कि किसी चाइल्ड को एक्सीडेंट, किसी चाइल्ड का एक्सीडेंट हो गया रोड पे खेल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो नाउ यू गो टू द हाउस ऑफ दैट चाइल्ड, उसकी मम्मी को बताने कि आंटी ऐसा ऐसा हो गया, नाउ यू नो, हमें हमेशा पता होता है कि इग्नोर से बताएंगे तो रिएक्शन सरप्राइजिंग हो सकता है, ठीक है, हमारे कहने की वजह से शॉक भी लग सकता है इंसान को, बट वी आर मेकिंग इन गुड फेथ जिससे कि उनको एटलीस्ट इंटीमेट तो किया जाए ना कि आप संभालिए जाके कि वो हॉस्पिटल ले गए उसको, जो भी बाई स्टैंडर्ड थे तो आप पहुंचे हॉस्पिटल, है ना, सो यू मेड द कम्युनिकेशन इन गुड फेथ एंड इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए। सो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दीज थिंग्स ये इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो अगर कुछ भी हार्म हो जाए, डेथ हो जाए, ग्रीवेंस हो जाए, कोई फर्क नहीं, ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए एंड इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन टू होम कम्युनिकेशन हैज बीन मेड। ठीक है, चलो 94 पे आ जाओ। सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who is compelled to do it by threat or which at the time of doing it reasonably caused the apprehension that instant death to that person will otherwise to be the consequence, be the consequence, provided that person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself, so short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint. Explanation 1. Okay. A person who, of his own accord or by reason of a threat of being bitten, joins a gang of dacoit, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associate to do anything that is an offense by law. Explanation 2. A person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law, for example, a smith compelled to take his tool or to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled for the benefit of this exception. ठीक है, तो यहाँ पे आप करने को बात कर रहा है कि जो एक्ट जो आप अंडर कंपल्शन करते हैं, व्हाटएवर एक्ट यू आर डूइंग अंडर कंपल्शन, कोअर्शन या ड्यू टू फोर्स या प्रेशर वगैरह एक्शन करके, फॉर दोस एक्ट यू आर नॉट लायबल, ठीक है, एक्सेप्ट इसमें दो स्पेसिफिकली ऑफेंसेस अलग कर दिए हैं जिनके लिए आप लायबल होंगे इवन दो यू आर कमिटिंग देम अंडर फियर या कंपल्शन के फियर में कर रहे हैं कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज योर ओन जजमेंट, तो वो दो ऑफेंसेज है कि मर्डर एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। तो अगर ऑफेंस ऐसा है तो उन केसेस में आप ये जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते कि आई कमिटेड दिस पर्टिकुलर एक्ट, ये ऑफेंस इसलिए मैंने मर्डर इसलिए किया या फिर ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, आई कमिटेड दैट एक्ट बिकॉज कि आई वॉज पुट अंडर फियर, आई वॉज अंडर कोअर्शन या आई वॉज अंडर कंपल्शन, ठीक है, तो उन केसेस में एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे देखो एक मैक्सिम लगती है जो मैंने लिखी ना, एक्टस मी इन विच ऑफ फैक्टर्स नॉन एज मी एस एक्ट, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, तो अगर ऐसी कोई ये मैक्सिम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एन एक्ट विच इज डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एंड हेंस आई एम नॉट नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, एन एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एंड हेंस आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो जो मैं एक्ट कर रहा हूँ विच इज अगेंस्ट माई विल
आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट. ठीक है, माना जाएगा कि जो भी एक्ट आपके बिल के अगेंस्ट होता है दैट इज नॉट योर एक्ट, इवन दो यू फिजिकली आप वो एक्ट कमिट कर रहे हैं, बट इट विल बी डीम्ड इन लॉ कि वो एक्ट आपका नहीं है, यू विल बी नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो ऐसे एक्ट कौन से होते हैं दैट यू कमिट अंडर कंपल्शन, जो आप फियर के अंडर करते हैं, व्हेन यू आर नॉट नॉट एबल टू एक्सरसाइज योर विल, वेयर यू आर नॉट एक्सरसाइज टू नॉट एबल टू एक्सरसाइज योर जजमेंट. ठीक है, तो ये 94 कोई भी आप सर वो किसी की डेथ नहीं कर सकता ना इसके अंदर कंपल्शन ऑफ थर्ड. हां वही मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन. तो आप ध्यान रखिए कि इसकी एप्लीकेबिलिटी सारे ऑफेंसेस पर है, वेदर फॉलिंग अंडर स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, आईपीसी. प्रोवाइडेड यहां पे इनने दो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिए कि जब आप ये नहीं कर सकते. ठीक है, दो ऑफेंसेस आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, वो है एक तो मर्डर हो गया, एक दूसरा हो गया ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ. तो आप किसी को मार नहीं सकते व्हेन यू पुट अंडर कंपल्शन. और यहाँ पे सेकेंड जो है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ. तो इन दो ऑफेंसेस के केस में आप किसी की डेथ नहीं कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आप ये एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज जस्टिफिकेशन ऑफ कंपल्शन या फियर या कोर्शन फॉर कॉजिंग डेथ या फॉर कमिटिंग एनी एक्ट पनिशेबल विद डेथ. ठीक है, तो द रीजन इज कि आप किसी की डेथ या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ क्यों नहीं कर सकते, मर्डर क्यों नहीं कर सकते. तो मर्डर के लिए हमारे पास वही केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टेफंस वाला, कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. कि इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड की जस्ट टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम किलिंग डाउन आई किल्ड सम अदर पर्सन. तो खुद को बचाने के लिए दिस डिफेंस कैन नॉट बी टेकन कि मैंने खुद को बचाने के लिए दूसरे को मार दिया. तो दिस इज नॉट रिकग्नाइज बाई एनी सिविलाइज सोसाइटी ऑफ. ठीक है, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये रिकग्नाइज नहीं करती कि आप खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे की डेथ. तो आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन से प्रिंसिपल निकला था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, होमिसाइड कैन नॉट बी जस्टिफाइड. ठीक है, सेकंड इज दैट कि ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, वो एक ही ऑफेंस है आईबीसी में जो कि पनिशेबल विद डेथ है. स्टेट के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस हुआ है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, वेजिंग वॉर या अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर. तो आपका सेक्शन 121 है आईपीसी का, खाली एक ही ऑफेंस है जो डेथ से पनिशेबल है. तो आप कंट्री के अगेंस्ट वेज वॉर नहीं कर सकते, नाइदर यू कैन अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द कंट्री. द रीजन बीइंग कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल एंड person as a responsible citizen of the country you need to protect the country even at the cost of your own life. ठीक है, माना ही जाता है कि आप खुद की लाइफ देके भी एक कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे. तो बेसिकली आप वेज वॉर तो कर ही नहीं सकते. ठीक है, कि आपको किसी एनिमी ने पकड़ लिया, जैसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया आपको, चाइना ने पकड़ लिया, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दो, वेज वॉर करनी है, हमारी मदद करो. ठीक है, ट्रूप्स को अंदर ले जाने में कंट्री में, और आप इस ऐसी सिचुएशन में आपको ढाल रखा है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो आपकी डेथ कॉज कर देंगे. तो लॉ कहता है कि मरना यहाँ पे जा सकता है एज कम्पेयर टू कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें या कंट्री के अगेंस्ट कोई एक्ट करें. बिकॉज एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन, एज ए नेशनल, यू शुड प्लेस सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ऑन द हाईएस्ट लेवल. ठीक है सर, तो ये थोड़ा बहुत अपन रिलेट कर सकते हैं नेसेसिटी के साथ इसको. नेसेसिटी हाँ कर सकते हैं उसको बेसिकली, पर वो ये कि दो केसेस में नहीं लगेगी, मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट. एंड ये ध्यान रखना कि ड्यूरस है, कंपल्शन है उनके केसेस में, कि जस्ट कि आपको फिर ये देखते हैं कि थ्रेट का स्टैंडर्ड क्या था. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको फियर में डाल रखा है, कंपल्शन में डाल रखा है. फियर और कंपल्शन कैसा है, विच रेजेज एन अप्रेंशन डेट इंस्टेंट डेट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेस. तो आपको जो डर है ये आपको ऐसे माहौल में, आप ऐसे सरकमस्टेंसेस में जहाँ पे आपको पता है कि इफ यू विल नॉट कमिट दिस एक्ट instant death will otherwise be the consequences. तो स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए. अगर कोई ऑफेंस आप कर रहे हैं ड्यूरस या कंपल्शन में आके, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं करते तो इंस्टेंट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज. तो अगर एप्रीहेंशन ऐसा है या फिर फियर ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं कि इंस्टेंट डेथ वाज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज, ज़्यादा वो ग्रीवियस एक्ट करते या थोड़ा मारते, तो उन केसेस में यू कैन नॉट कमिट ऑफेंस. दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन जब ही लगेगा जब डर इस लेवल का हो, जब आपको पता हो कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगी. तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन टू देखिए कि एक पर्सन है जिसको डकैत्स ने पकड़ लिया. ठीक है, नाउ डकैत्स उसको फोर्सफुली कंपेल करते कि इस घर का ताला तोड़ो, ब्लैक स्मिथ है उसको जोर से ताला तोड़ो इस घर का, एंड ही ब्रेक द रूल. तो उन केसेस में ही इज जस्टिफाइड बिकॉज उसको पता है गैंग ऑफ डकैत्स है, इंस्टेंट डेथ कॉज कर सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है. तो अगर एक छोटा मोटा आदमी जिसके पास कोई वेपन नहीं है, उसने आपको पकड़ लिया, ठीक है किस पे क्या है, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने काम नहीं किया, तो डेट वो डिपेंड अपॉन द फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस वेदर यू आर पुट इन सच अ सिचुएशन की इंस्टेंट डेथ का डर था क्या, जब भी आप कर सकते हैं. और उस सिचुएशन में भी अगर इंस्टेंट डेथ का डर भी है फिर भी आप मर्डर या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कमिट नहीं कर सकते. तो वो दो तो उन केसेस में तो कुछ भी हो जाए, चाहे आप मरे जो ना, वो आप नहीं कमिट कर सकते मर्डर,
and offenses against the state. With regard to the rest of the offenses falling under general law, IPC, special law, local law, उनमें क्या देखना है कि instant death का standard होना चाहिए. It should be present. ये नहीं कि किसी future date पे करेंगे. अगर आधे घंटे बाद का भी डर है कि after half an hour आपकी death cause हो सकती है, तो फिर भी justification ये कायम करेगा. उस particular moment पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये act नहीं किया, तो मेरी instantly death cause कर देंगे. तो आप dacoits ने आपको पकड़ लिया है, या फिर ऐसा रॉबर है जो कि आर्म्ड है डेडली वेपन के साथ, उसके पास गन है, वो आपको कह रहा है कि मेरी हेल्प करो अदरवाइज आई विल कॉज है. ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कि वारंट करे, जो पूरा एक रीजनेबल एप्रिहेंशन क्रिएट कर दे आपके दिमाग में ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सिचुएशन, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगी अगर मैंने एक्ट नहीं करा, तो उन्हीं सिचुएशन में आप जस्टिफाइड है, अदरवाइज यू आर नॉट जस्टिफाइड. ठीक है यस सर. सर तो अगर डिफरेंशिएट करना हो नेसेसिटी और ऐसे, तो इसमें क्या पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि बताओ क्या क्या ले सकते हो बताओ. वही मैं सोच रहा था कि जैसे उसमें इसमें इंजरी, क्योंकि दोनों में मतलब सिचुएशन तो ऐसी है कि दोनों में पता नहीं चल रहा है कि देखो देखो मेन डिफरेंस तो ये है, यहां पे आपको कंपेल किया जा रहा है ड्यू रेस्ट. ठीक है, तो फोर्सफुली कोई आप पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. ठीक है, फिजिकल फोर्स यूज हो रही है. ठीक है, ये कह रहा है ना कि who is compelled to do it by threats. ठीक है, threat verbal भी हो सकती है, physical भी हो सकती है. ठीक है, necessity के केस में कोई क्या threat नहीं है, कोई compulsion नहीं है, this situation ऐसी है, वहाँ पे circumstances ऐसे हैं, humanly circumstances की जरूरत नहीं है. यहाँ पे humanly circumstances है. ठीक है, कोई human threat produce कर रहा है आपको, either by words or gestures or by doing some act. वहाँ पे क्या है necessity में circumstances है, जैसे ship जा रहा है automatically because of circumstances, जैसे high tide आई उसकी वजह से आपका रास्ता चेंज हो गया and you came to such a situation कि दो शिपर किसी एक में जाके भिड़ गए. ठीक है, सिमिलरली हाई टाइड्स आई, आपका शिप भाग गया, तीन जने बचे, वन थ्री मैन जने बोट वाली सिचुएशन हो गई. तो वो ह्यूमनली क्रिएटेड सिचुएशन में भी, जहाँ पे ह्यूमनली क्रिएटेड सिचुएशन नहीं है वहाँ पे फॉल कर रहा है. पर आपका जो 94 है स्पेसिफिकली ह्यूमनली क्रिएटेड सिचुएशन है कि यहाँ पे एक इंसान एग्रेसर है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, आपको कंपेल कर रहा है कि यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस, आपको ये क्राइम करना है. ठीक है, आपको बोल रहा है कि मर्डर करके आना है, जैसे आपको आपके घर वालों को किडनैप कर लिया, सुपारी वगैरह देते हैं ना, वो बोले घर वालों को किडनैप कर लिया, एंड देन दे गिव यू सम टास्क कि आपको इस फैमिली का जाकर मर्डर करना है, पर्टिकुलर इंसान को मर्डर करना है, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड. ठीक है, क्योंकि मर्डर आप कर ही नहीं सकते, उससे लेसर हार्म आप कर सकते हैं, आप ग्रीवियस हर्ट कर दीजिए, या फिर आप रॉबरी कर लीजिए, डकैती कर लीजिए, पर मर्डर नहीं कर सकते. ठीक है, नाइट कैन कमिट ऑफेंस अगेंस्ट. पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ह्यूमनली क्रिएटेड है, यहाँ पे नेसेसिटी में आपका एनवायरमेंट या फिर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं. बाकी सोचो, सेकंड हो गया वहाँ पे जस्ट टू प्रिवेंट ए लेसर आर्म, ग्रेटर आर्म यू यू डू अ लेसर आर्म. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेटर आर्म लेसर आर्म, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते आप क्या लेसर आर्म है क्या ग्रेटर आर्म है. ठीक है, तो डिफरेंस तो है इसमें, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि वही बाई वे ऑफ कंपल्शन या थ्रेट से आपको कंपेल किया जा रहा है कि ऑफेंस कमिट करो. ठीक है, और ऑफेंस इस बेसिकली आपको इंस्टेंट डेथ क्रिएट हो जाने का एप्रीहेंशन है, और एप्रीहेंशन इज रियल, जेन्युइन है, इमिनेंट है, नॉट ए फेक. ठीक है, आर्बिट्ररी नहीं है, फैंसीफुल नहीं है, वेग नहीं है, इमिनेंट है, रियल है, और वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे कि पर्सन क्या है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ द एक्ट, किस सिचुएशन में आप हैं अभी एट टाइम फंसे हुए, वो ध्यान रखना है. फिर एक्सप्लेनेशन वन आ जाता है, इसमें वो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप खुद से ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि आप बाई जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि मेरे को ये डकॉइट्स मारेंगे पीटेंगे, है ना, उस वजह से आप गैंग ऑफ डकॉइट्स ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन केसेस में आपको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को डर था कि मेरी डेथ कॉज कर देते अगर मैं इसका पार्ट नहीं बनता. तो ओनली देखो सिचुएशन एक्सप्लेनेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जगह आपको सीज करके गैंग ऑफ डकॉइट्स का मेम्बर बना दिया गया फोर्सफुली, एक है कि आप खुद ही बन जा रहे हैं वॉलंटरी, या फिर आपको डर है कि मेरी पिटाई कर देंगे, तो आपको डर होना चाहिए उस लेवल का होना चाहिए कि पिटाई नहीं मेरी डेथ कॉज कर देंगे, तो उन्हीं केसेस में जस्टिफाइड है, और जस्टिफाइड भी किस हद तक है कि डेथ ना करें. ठीक है यस सर. इसमें कोई डाउट किसी को भी 94 में? सर एक और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं ना, जो हमने नेसेसिटी वाले में पढ़ा था कि वो अगेंस्ट एनीबॉडी हो सकता है, बट ये वाला सिर्फ अगेंस्ट द अग्रेसर होगा, कोई भी आप एक्ट करोगे तो नहीं, ये अग्रेसर थोड़ी, अग्रेसर तो आपको कंपेल कर रहा है कि आप कोई ऑफेंस करो. ठीक है, फिर आप ऑफेंस जो कर देते हो उसके बेसिस पे आपकी लायबिलिटी आती है, तो आप लायबिलिटी वेट कर रही है क्या कि 94 अप्लाई हो रहा है बिकॉज वी वर पुट अंडर कंपल्शन या ड्यूरस या थ्रेट थी हमें, एंड थ्रेट वाज
with regard to causing instant death. That's why we committed such an offense. क्योंकि Yes, I understood. है ना, पर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, हमें ध्यान रखिए फिर उसमें सिचुएशन आती है, ब्लैक पता है उसने ताला तोड़ दिया, ठीक है, रॉबर सेंटर करे, डफर्ट सेंटर करे, उन्होंने चोरी वगैरह करी और घर के लोगों को मार दिया, तो उसके पे 34 लगा के वो लाइबिलिटी करते हैं कि क्या ये ब्लैक स्मिथ भी लाइबल है फॉर कॉजिंग मर्डर, हाउस ब्रेकिंग वगैरह, तो उसकी लाइबिलिटी आप चाहेंगे जब आप फाइनली ये जजमेंट दे रहे होंगे कि दिस पर्सन इज एक्विटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 94 बिकॉज ही वॉज कंपेल्ड बाई डफर्ट टू अपॉन द रोड. ठीक है, तो एज लॉन्ग एज योर ऑफेंस इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मर्डर आप एग्जम्प्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड देयर शुड बी अप्रिहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ. ओके सर, चलो ठीक है.